स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज मैं आप लोगों को एक कमाल की स्टोरी दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने ऐसी स्टोरी नहीं देखी होगी और आपके जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी। आपने शायद हो सकता है ऐसी जिंदगी जी हो, या हो सकता है आपके साथ होता हो, या आपके किसी दोस्त के साथ या किसी फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के शुरू में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो टीवी पर एक छोटी सी लड़की को देख रहा होता है। इसको ये इतनी अच्छी लगती है कि क्रश बना लेता है। ये लड़का डिट्टो होता है। कुछ साल बाद डिट्टो जब हाई स्कूल में आ जाता है तो वही लड़की इसके स्कूल में आई होती है न्यू एडमिशन लेकर। इस लड़की का नाम आयो है और ये दिखने में बहुत सुंदर होती है और टीवी में छोटे मोटे रोल किया करती है। क्लास सीट भी डिट्टो के बगल में ही ले लेती है ये जाकर। और लो, कहती है ना कि मेरे फ्रेंड मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो तुम भी मुझे इस नाम से बुला सकते हो। स्कूल के बाद इसका पेन लौटाने जाता है जो ये क्लास में भूल कर आ गई थी। डिट्टो इसके चक्कर में म्यूजिक बैंड भी ज्वाइन कर लेता है क्योंकि म्यूजिक बैंड बजाती है ना, और उसकी फिल्म शूट भी देखने जाया करता है जो छोटे मोटे शूटिंग करती रहती है। दोनों की दोस्ती कुछ दिनों में हो ही जाती है और एक दिन ये अपने घर लेकर आता है इसको। मॉम डांट लगाती है कि तू पढ़ता लिखता नहीं है, आयु के साथ उसकी शूटिंग देखने चला जाता है। आयु कहती है कि मैं थोड़ी बुलाती हूँ इसको, ये खुद आता है मेरे पीछे पीछे, मैंने कभी नहीं बुलाया इसको। फिर आयु कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, हम दोस्त है। और अब दिन बीतने लग जाते। दोनों फिर हाई स्कूल में आगे होते हैं। डिट्टो और आयु की दोस्ती वैसी होती है। आज एक मिली नाम की लड़की आयु से कहती है कि डिट्टो कितना हैंडसम है ना, मुझे शर्म आती है उससे बात करते हो, क्या तुम मेरी दोस्ती करवा दोगी उससे। आयु मान जाती है और मिली को डिट्टो से मिलवा देती ले जाकर और चली जाती है। रात को डिट्टो पूछता है कि तुमने मुझे मिली से क्यों मिलवाया। आयु कहती है ताकि तुम गर्लफ्रेंड बना सको स्कूल में। डिट्टो पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं गर्लफ्रेंड बना लूं मिली को, तो इसे ना कुछ ज्यादा उम्मीद होती है इससे कि ये मना करेगी, मुझे पसंद करती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। खैर, ये इसे इग्नोर करके पढ़ने लगती है। अगले दिन डिट्टो आयु को एक सीनियर लड़के से बात करते देखता, पूछता कि कौन है वो। आयु कहती है कि तुम्हें मिली पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरा पीछा करना चाहिए, और इसे फोर्स करती है कि जाकर मिली से मिलो, उसके लव को एक्सेप्ट करो और बातें बातें करो जाकर। ये जाता भी है और डिट्टो पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। मिली कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। डिट्टो को मिली में कोई इंटरेस्ट तो नहीं होता वैसे, पर आयु को किसी गिटार वाले सीनियर लड़के के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखकर इसके अंदर से जल जाती है। पर जलाने के लिए उसको जलन में आकर मिली को हाँ बोल देता है और इस तरह से बर्बादी की शुरुआत होने लग जाती है। होता ये मिली के साथ है पर देखता आयु को है। आयु रोज नए नए सीनियर के साथ टाइम बिताती है और ये जलता रहता है। मिली से बहाने करके भाग जाता है। आज क्लास में कहता है कि सीनियर तुम्हें मीठी बातें करके फंसाते हैं ना, पर आयु का कहना है कि सीनियर गिटार अच्छा बजाते हैं। मिली भी अब दुखी है कि तुम मुझे भाव क्यों नहीं देते हो, कैंटीन भी अकेले चले जाते हो, खाने के लिए भी नहीं बुलाते हो मुझे। डिट्टो प्रॉमिस करता है कि ठीक है अभी आज से ना हम साथ में जाएंगे। मिली बेचारी बहुत दिनों से एंड होती है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोज लेती है। शर्मा कर स्माइल करते हुए जाने लगती है और डिट्टो एक पोस्टर देखता दीवार पर और इतने में पीछे से गोली हो जाता है, मतलब भाग जाता है। ये आज सीनियर्स का बैंड ज्वाइन करने आया है। आयु भी चेयर कर रही है इसको। तीन जजेस बैठे होते हैं सामने, इनमें एक आयु का अब बॉयफ्रेंड बन गया है वही गिटार वाला लड़का, तो ये मना कर देता है ये बोल के कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ दिन बाद एक स्टेज शो भी हो रहा होता है। डिट्टो को उसमें एक छोटा सा रोल मिल गया होता है और तबला बजा बजा कर आयु को इम्प्रेस करने की खूब कोशिश कर रहा होता है। और मिली ये सब देख रही है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, ये सब जानती है। दुखी तो बहुत होती है पर कुछ कहती नहीं है और अगले दिन पूछती भी है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो, और गुस्से में ब्रेकअप कर लेती है ये सोच के कि रोएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, जो एक इंसान सोचता है। पर ये ओके बोलकर अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलने लग जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। छुट्टी में आयु से बताता है सब कुछ, मैं सिंगल हो गया हूँ और जितनी चाहे उतनी लड़कियों को डेट करूंगा और एक से एंड में शादी कर लूंगा, क्योंकि करंट रिलेशनशिप रोमांटिक होते हैं। अब जिन्हें करंट रिलेशनशिप नहीं पता, बता दूं कि एक ऐसा प्यार होता है जो कि रूम में बेड के ऊपर ही किया जाता है, बाहर दू कौन मैं कौन नहीं जानते। खैर, आयु का बॉयफ्रेंड इतने में कार लेकर आ गया होता है, वो भी लाल कलर की। वो तो उसके साथ बैठ जाती है और डिट्टो का मुंह फटाका फटा रह जाता है कि अरे यार, अपनी चाइल्डहुड क्रश को किसी और लड़के के साथ कार में जाते हुए कैसे देख सकता हूँ। जलता है बहुत ज्यादा और अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। रात को डिनर करते हुए पिताजी से कार की फरमाइश करता है कि मुझे कार चाहिए। पिताजी कहते हैं हाँ हाँ, एक तुम खरीदो, एक मेरे लिए भी खरीद देना। अब ये सुनकर इसका छोटा भाई खूब हंसता है, सो जाता है फिर शांति से जाकर। रात को फिर आयु कॉल करके इसको एक ड्रेस लेकर अपने पास शूटिंग पर मंगाती है। ये उसी रात भाग कर वो ड्रेस देने के लिए जाता है और पूछता है ड्रेस देते हुए कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं। अरे भाई, तू नहीं समझेगा लड़की सही होता है। खैर, ये वही बैठ कर ना उसकी शूटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगता है। बहुत नींद में है पर जाता नहीं है। अगले दिन स्कूल आकर आयु के बॉयफ्रेंड की लाल वाली कार को देखता है और ठान लिया है कि मुझे भी चाहिए। क्लास में आयु से भी बताता है
कि मुझे कार चाहिए पर मेरी फैमिली दिला नहीं रही है। आयु कहती है तो पहले कमाओ फिर पैसे जोड़ो और फिर खरीद लो। ये कहता है कि कैसी नौकरी करनी चाहिए मुझे। आयु कहती है वैसी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और कुछ दिन बीतने के बाद अब डिट्टो ने बार में बैंड बजाने का काम शुरू कर दिया होता है। पहली सैलरी मिलती है तो आयु को डिनर पर लेकर आया होता है। और हद तो जब हो जाती है जब आयु अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आती है और कहती है ना कि बाबू डिट्टो हमारा डिनर का पे करेगा आज। तुम शकल देखो इसकी, मैं कैसी हो रही है, मतलब सोचो क्या फील कर रहा होगा ये बंदा। अपनी पहली सैलरी से उसको इम्प्रेस करने के लिए डिनर पर लाया और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ गया, उसको बोल रही है कि हमारा पेमेंट आज ये करेगा। पर डिट्टो भी बहुत तेज होता है, कहता है कि मैं नहीं कर रहा पेमेंट, मुझे डिनर नहीं करना, मैं पैसे बचाऊंगा, और यहाँ से चला जाता है। पूरा माहौल ऑकवर्ड सा हो जाता है यहाँ पर। खैर अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए डिट्टू का ध्यान नहीं लग रहा होता है खेल में, क्योंकि आयु अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं खड़ी मस्ती कर रही होती है। डिट्टू यहाँ से चला जाता है तभी एक रैंडम सी लड़की उसको पानी ऑफर करती है और इसका नंबर मांगती है। डिट्टो मान जाता है। अगले दिन आयु अपने बॉयफ्रेंड को लेकर उसी बार में आती है जहाँ डिट्टो काम करता है। पानी वाली लड़की भी आई होती है, चारों बैठकर बातें करने लग जाते हैं, डबल डेट हो जाती है। और ये पानी वाली लड़की एक राजकुमारी होती है, मतलब कि ये उन लड़कियों में से जो कि थोड़ी मतलब फरमाइशें करती है ना, सब अलग अलग होते हैं तो इसकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती है। वेटर से भी बदतमीजी करती है कि मेरे लिए ये लाओ वो लाओ कर रही होती है। और एक होता है ना किसी का नेचर अपने को सब पता चल जाता है कि क्या है वो इंसान ऐसे हरकतें देखकर। तो डबल डेट समाप्त हो जाता है और अगले दिन आयु कहती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, वो अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी वहाँ पर। पर डिट्टो मना कर देता है ये बोल के कि खुद के बॉयफ्रेंड को देखा है तुमने, पूरे टाइम फ़ोन पर लगा रहता है, स्कूल के बाहर गर्लफ्रेंड होगी उसकी पक्का, दोनों में ना तू मैं होने लग जाती इसी बात को लेकर। पर आयु के मन में शक तो बैठ गया होता है क्योंकि सच में इसका बॉयफ्रेंड पूरे टाइम फ़ोन चलाता रहता है। अब ये जाकर उसके फ़ोन को रात को चेक करती है तो पता चलता है कि सच में वो इसको चीट कर रहा है। ये रोते हुए डिट्टो को उसी रात कॉल करती है और डिट्टो शोर है इस वजह से सुन नहीं पा रहा कुछ, तो स्कूटर लेकर इसके घर पर आ जाता है और खूब घुमाता है इसको, रात भर घुमाता है, इसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। आयु अपने बॉयफ्रेंड को खूब गालियां देती है और दोनों रात को रोड पर बैठकर बातें करते हैं। अब डिट्टो ने न्यू स्कूटर खरीदा होता है तो इसकी पानी वाली जो गर्लफ्रेंड है गुस्सा हो गई होती है, ये कह गए कि तुमने अपने स्कूटर पर मुझे सबसे पहले क्यों नहीं बिठाया, आयु को क्यों बिठाया। और ये लड़की इतनी सी बात पर इससे ब्रेकअप करके चली जाती है। आयु भी आज ब्रेकअप करके आई होती है अपने उस चीटर एक्स बॉयफ्रेंड से, तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। डिट्टो इसको अपना कंधा देता है, हग करता, समझाता है। एक दिन आयु को पता चलता है कि डिट्टो अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहा है और स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ा हो रहा है, सबसे वोट भी मांगता है। आयु कहती है कि तू ये सब इसलिए कर रहा है ना ताकि लड़कियों से फ्लर्ट कर सके, है ना। डिट्टो कहता है कि नहीं, मुझे जो लड़की चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है और अब मैं किसी को देखता तक नहीं हूँ। डिट्टो इस उम्मीद में है कि आयु अब तो इसकी फीलिंग को समझ ही लेगी, वही पल है आज का ही पल है, स्माइल भी कर रहा होता है। और कुछ ही दिनों बाद डिट्टो का बैंड टीवी पर भी आने लगता है। आयु, इसकी मॉम, डिट्टो के माता पिता सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन आयु उसे छेड़ते हुए बधाई देती है और कहती है अब तो टीवी में आने लग गए, बहुत एटीट्यूड आ जाएगा तुम्हारे अंदर। और ये चश्मा पहनकर कहता है बिल्कुल, हंसी मजाक कर रहे होते दोनों। और अब सीन आ जाता है लास्ट डे स्कूल का होता है, सब एक दूसरे की यूनिफॉर्म पर आई लव यू और गालियां लिख रहे होते हैं। और डिट्टो हिम्मत करके आज आयु को प्रोम में चलने के लिए पूछ देता है अपने साथ, ये मान गई होती है। दोनों बहुत अच्छे से रेडी होते हैं और फिर ये इसको क्यूट तरीके से स्कूटर पर पिक करने आता है इसके घर। इसकी मॉम देखती है तो बहुत खुश होती है और फिर इनकी फोटो भी क्लिक करती है। प्रोम जाते हुए आयु कहती है कि तुम्हारे पास स्कूटर है, मेरा मेकअप खराब हो गया उससे पूरा। डिट्टो यहीं पर इसे प्रॉमिस कर डालता है कि मैं कार खरीदूंगा एक दिन और उसमें तुम्हें लेकर चलूंगा घुमाने, जिससे तुम्हारा मेकअप कभी खराब नहीं होगा। दोनों वेन्यू पर आते हैं, मस्ती करते हैं, इतने में रोमांटिक गाना चलने लग जाता है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसलिए दोनों को ड्रिंक करनी पड़ती है। और अब डिट्टो नहीं रुकेगा, बोलने ही वाला होता है दिल की बात, पर तभी आयु का फेवरेट सॉन्ग चल जाता है और वो डांस करने चली जाती है। कुछ दिन बाद इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और डिट्टो को आयु के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उसको सिटी के बाहर दूसरी सिटी में एडमिशन मिला होता है। ये बहुत दुखी होता है, इसको समझाती भी है कि अरे हम मिलते रहेंगे ना कभी कभी वीक में, इतने भी दूर थोड़ी है हम, है ना। अब इतने में आयु को एक रेड कलर की कार पिक करने आ जाती है और आपको पता है रेड कार कौन चलाता है, उसका एक्स। हाँ, ये वापस उसी के साथ आ गई, मतलब एक धोखेबाज से धोखा खाकर फिर उसी के साथ आ गई दोबारा धोखा खाने के लिए, चली गई उसके साथ बैठकर। और डिट्टो विंडो से देखता रहा और एक बहुत अच्छी बात कहता है कि मेरी क्रश वही गलती कर रही है जो कि हर एक यंग लड़की करती है, मत करो यार ऐसा प्लीज। खैर कुछ दिनों में अब कॉलेज जाने का टाइम आ गया होता है, डिट्टो इस सिटी को छोड़कर जा रहा है, रो रहा है कि आयु से दूर हो रहा है और खुश भी है कि हो सकता है वहाँ जाकर मेरी फीलिंग्स कम हो जाए तो मुझे पेन नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई बहुत दुख होता है ऐसे, समझो तुम लोग। कॉलेज शुरू हो गए होते हैं, दोनों की लाइफ चल रही होती है अच्छी खासी, पढ़ाई के साथ साथ आयु बोर्डिंग करती है और डिट्टो बैंड चलाता है। एक रोज आयु कहती है
कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि भाई देखो उसने पहले भी धोखा दिया था, फिर से इसको धोखा देता है। मन बहलाने के लिए डिट्टो को कॉल करती है और अपने ब्रेकअप की कहानियाँ सुनाती है, और उसके चार दिन बाद ही ये एक नया बॉयफ्रेंड भी बना ही लेती है। उसके साथ काफ़ी अय्याशी करती है, खूब मस्ती मारते हैं लोग, और डिट्टो बेचारा ये सब सोच सोच के बैठा रहता है लाइब्रेरी के अंदर कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, इसका कहीं मन भी तो नहीं लगता ना। उसके अलावा आज तो लाइब्रेरी में एक लड़की पर नज़र चली जाती है इसकी, जो बहुत सुंदर होती है, तो उससे बात करने जाता है, पर इसको बात क्या करनी यही नहीं पता, तो बुक्स की बात करता है। अब ये ना ऐसे लड़कों में से है जिसको नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, अपने जैसा होता है ठीक है बेसिकली, और लड़की इसे क्यूट समझ लेती है और दोनों की जान पहचान हो जाती है, इसलिए ये इसके लिए स्नैक्स भी लेकर आती है, फिर वैलेंटाइन में चलने के लिए पूछ देती है। डिट्टो के होश उड़ जाते हैं, क्या पूछ दिया इन्होंने, और वैलेंटाइन भी आ ही गया होता है। आयु भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त रेडी वेडी होकर एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में जाती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड रिच होता है ना काफ़ी ज़्यादा, और भाई डिट्टो उस लड़की के साथ स्ट्रीट फूड डेट पर आया होता है ना, क्योंकि इसका जितना बजट है ये वहीं कर सकता है। लड़की को ये काफ़ी चीप लग रहा है, इसका मन तो नहीं करता जैसे खाने वाने का, मुंह बनाती है, पर क्या करे कुछ बोल भी तो नहीं सकती ना, क्योंकि अभी न्यू है ना, अभी नहीं बोल सकते, बाद में टेटुआ दबा देंगे। कुछ दिनों में डिट्टो पैसे सेव करके एक ओल्ड कार बाय करता है और सबसे पहले आयु से मिलने जाता है, दिखाता है और पूछता है ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ, और दोनों बहुत खुश होते हैं, मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। डिट्टो ने अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं बताया है, है ना, वही उस लड़की की बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी वाली की, अभी ये उसकी गर्लफ्रेंड बन गई होती है। कहता है कि गर्लफ्रेंड से पहले तुम आती हो मेरे लिए। इतने में आयु कहती है कि चलो डबल डेट पर चलते हैं किसी दिन अपने अपने पार्टनर के साथ, और सीन सीधा डबल डेट पर आ जाता है। दोनों अपनी पुरानी बातें करके स्कूल वाली हंस रहे होते, और इन दोनों का पार्टनर बैठ कर देख रहे, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे, तो दोनों के पार्टनर को उन पर शक होता है हल्का हल्का। अब लाइब्रेरी वाली लड़की इसकी गर्लफ्रेंड, इसका नाम डीला होता है, तो अब इससे सवाल करती है कि तुम आयु से कब मिले, कैसी दोस्ती है, कितनी गहरी है, कितनी नहीं है। ये समझ गई होती कि इसके अंदर आयु के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि इन दोनों को रहते हुए साथ में काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है दोनों को। अगले दिन पढ़ाई करते हुए डीला पूछती है तो अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, पढ़ाई करो फिर जॉब ले लो और जल्दी हम ना शादी कर लेंगे, फिर हम बेबी पैदा करेंगे। ये सुनकर डिट्टो के होश उड़ जाते हैं। डीला रुकती नहीं है, अगले दिन फिर इससे पूछ देती है कि शादी कब करें हम, फैमिली बच्चे सब कुछ प्रेशर बना रही होती है इसके ऊपर, और ये ना ऐसे ऐसे करते करते महीनों तक इसको परेशान करती है। डिट्टो इससे परेशान हो भी गया होता है और इसको गोली देना चाहता है, मतलब इससे पीछा छुड़ाना चाहता है। और एक दिन तो डीला अपनी और डिट्टो के फेस को मिलाकर एक बेबी का फेस बनाकर दिखाती है कि हमारा बेबी होगा ना तो ऐसा होगा। डिट्टो बहुत परेशान हो गया होता है इससे, आयु से बात करता है इस बारे में, तो आयु कहती है तो क्या हुआ, तुम उसके साथ 4 साल से हो, तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब इनके रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके हैं, और ये 4 साल से उस लड़की के साथ है, फिर भी ये उसको प्यार नहीं करता, उसके लिए फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर। और कट करके अंदर चली जाती है, जहाँ पर देखते हैं इसका बॉयफ्रेंड इसका वेट कर रहा था रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ सीन में ये बताया गया है कि आयु को ऐसा कोई वो नहीं है, वो डिट्टो को ना ऐसा ज़्यादा कुछ करती नहीं, डिट्टो इसके पीछे पड़ा रहता है बेसिकली। खैर छोड़ो, अब तो डीला पकड़ लेती है इसको अगले दिन और पूछ देती है कि जब भी मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो तुम भागते क्यों हो। ये जानती है कि डिट्टो आयु से प्यार करता है। डीला इसे बताती है कि हम 4 साल से साथ में, मुझे तुमसे शुरू में ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो जिंदगी की, और आज करके चली जाती। डिट्टो कुछ कहता नहीं है, ना ही रोकता है, क्योंकि जानता है कि ये उस लड़की के साथ गलत ही कर रहा था, और ये सच में गलत होता है किसी की फीलिंग्स को ऐसे करना। तो घर आकर सोचता है कि आयु को फ़ोन करूँ बताऊँ उसको, पर आज पहली बार ये आयु को फ़ोन नहीं करता, नहीं बताता, और अगले दिन डिसाइड करता है कि आयु को जाकर सब कुछ सच सच बता देगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आ जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, आयु भी यहाँ पर आई होती है, बातें शुरू होती हैं, और आयु को इतने में कॉल आ जाती है इसके फियोंसे की। हाँ, कुछ देर बाद जब वो वापस कॉल रख कर आती है तो बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, और डिट्टो फेक स्माइल करके इसको बधाई देता है। और पूरे टाइम आयु अपनी शादी की बात करके निकाल देती है। दिन से रात हो जाती है, जब ये जाने लगते हैं तो पूछे, अरे हाँ तुमने मुझे बुलाया था, क्या कुछ कहना था क्या मेरे से। ये बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। ये डांटती है इसको कि तुम अब बच्चे नहीं हो, स्कूल वाली गलतियाँ कब तक करते रहोगे तुम। डिट्टो कहता है कि मैं किसी से 12 साल से प्यार करता हूँ और वो तुम हो। ये हंसती है मजाक सोच के, और ये सीरियस हो गया होता है, समझाता है इसको, तो इसको मस्त मस्त गालियाँ सुनाती है, ऐसी गालियाँ जो मैंने भी नहीं सुनी थी, बहुत गंदी वाली, और इसको भगा देती है यहाँ से, खुद भी भाग जाती है। और अगले दिन अपने फियोंसे से बताती है कि यार उसने मेरे से ऐसे ऐसे बोल दिया, मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हो गई। ये कहता है कि क्या तुम उसको पसंद वसंद करती हो क्या, तुम हमेशा मुझसे उसी की बातें करती रहती हो। देखो ऐसा है कि शादी के बाद ना रोज मैं सुबह उठूंगा ना तो मुझे डिट्टो के किस्से नहीं सुनने, कोई भी हस्बैंड नहीं पसंद करेगा, ये बेसिकली सिंपल सी बात है। आयु प्रॉमिस कर देती है यहाँ पर कि आज के बाद मैं डिट्टो को कभी कॉल ना मैसेज ना कभी कुछ भी नहीं करूँगी, उससे दूर हो जाऊँगी,
और अब मेरा उससे रिश्ता खत्म हो गया। अब फियोन से मना करता है, कहता है नहीं तुम पहले सोच लो अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है, फिर एंड में मुझे बता देना। ये घर आती है और सोचती है, बहुत सोचती है, याद करती है स्कूल के उन दिनों को जब डिट्टो इसके लिए पूरा अपना एफर्ट दिया करता था। ये नहीं समझती थी, बट मेरे को लगता है लड़कियां समझ जाती है, बहुत समझदार होती है लड़कियां, देखो बहुत समझदार होती है, उनको पता होता है कि सामने वाला ऐसा जो कर रहा है ना उसका एक्शन क्या है, वो किस लिए कर रहा है, ठीक है उनको पता होता है, बट इसको उस टाइम नहीं पता था। ओके आज सोच रही है और समझ जाती है कि हाँ प्यार तो करता हूँ उससे। फिर टीवी चलाते हैं, टीवी में डिट्टो आ रहा होता है, एंकर से पूछता है कि तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाए और उससे प्रपोज करना हो तो कैसे करोगे। ये कहता है अरे मैं कल ही तो करके आ रहा हूँ, किया मैंने। डिट्टो फिर कहता है कि मैंने उसे कैसे कन्फेस किया अपना लव और उसने मुझे कौन सी गालियाँ सुनाई और मुझसे दोस्ती तोड़कर चली गई, पर मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम अपनी फीलिंग्स तो मन के अंदर नहीं छुपा के रखी ना। आयु अगले दिन डिट्टो के घर आती है पर वो घर पे नहीं होता क्योंकि वो परफॉर्मेंस करने के लिए गया हुआ है। और फिर डिट्टो को देखते हैं जो कि आयु की फोटो देख रहा होता है, भले उससे गालियाँ खा के दोस्ती तोड़वा चुका है पर दिल में तो वहीं है अभी तक उसके, इसको ये भी पता है कि हम अब कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर ये परफॉर्म करने आते हैं, परफॉर्मेंस शुरू होता है, बार बार इसको कॉल कर रही होती है पर इसका फ़ोन किसी के पास होता है ना, स्टेज पे शो कर रहा फ़ोन थोड़ी लेके जाएगा। फिर ये लोकेशन पर आती है, चिल्ला रही होती है, भीड़ में से कैमरा भी इसके ऊपर चला जाता है और डिट्टो को लगता है कि वाह मेरे को चीयर कर रही है तो और जोश में बजाने लगता है। शो के बाद ये मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं दोनों और कुछ दिन बाद डिट्टो इसे वोकेशन का पूछता है रिंग दिखाते हुए और आयु स्माइल करती है और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेती है और फर्स्ट टाइम दोनों किस करने का ट्राई करते हैं पर हंसने लगते हैं। दोस्त है दोनों यार, इतने सालों से किस थोड़ी करेंगे, छी अजीब नहीं लगेगा। और कुछ दिन बाद शादी हो जाती है इनकी और एंड में हमें बताया जाता है कि ये एक ट्रू स्टोरी, हाँ ये एक सच्ची कहानी है। और ये जानकर मेरे को लगा था कि भाई बेचारा लड़का 12 साल से क्या झेल रहा था, वो मतलब तो कैसी जिंदगी होगी उसकी यार, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐसे आयु की गलती नहीं थी, वो अपनी लाइफ को जी रही थी, ठीक है ऐसा उसका कोई स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा रोल नहीं था, देखो उसको जो अच्छा लगता उसने किया, ठीक है इसका कोई वो नहीं है, बट ऐसा डिट्टो जो था ना वही सारी कोशिशें अपनी तरफ से किया करता था, उतनी कोशिशें की शुरू में उसको बोल देता है एक बार ऐसा ऐसा है तो वो जो भी था उसका बोल मना ही करती है तो पता ही है, तो कम से कम यार इसको 12 साल तक डिप्रेशन में तो नहीं रहना पड़ता, बहुत टाइम होता है। और ये सच्ची भी कहानी है और आयु मतलब उसको हमेशा बॉयफ्रेंड मिल जाया करते थे, कहीं ना कहीं 4 दिन होता था उसके ब्रेक, चीटर के साथ भी आ गई, दूसरा बना लिया इस करके, और ये उसको देख के मतलब बहुत बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसको ना ऐसा मतलब यार मेरे को हंसी आ रही है क्या थे ये दोनों, अजीब थे बट अच्छा था जो भी था। हम इसमें किसी को गलत या सही नहीं कह सकते क्योंकि देखो जब उनकी एज कम थी तो उस एज में इंसान ऐसे करता है, जैसे डिटो था उसने उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, जब उसके बॉयफ्रेंड के पास कार देखा तो सोचा मैं भी खरीद लेता हूँ वो मेरे पास आ जाएगी, टीनेजर के दिमाग में यही सारी चीज़ चलती रहती कि उसके पास तो मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना, बहुत सारी कोशिश की। उसने जलाने की भी कोशिश की, जलाने के चक्कर में उसने मिली नाम की एक लड़की के साथ गलत किया है ना, उसके साथ रिलेशन में आया और फिर मतलब ऐसे उसको अपना वो नहीं दिया, मतलब पूरा ऐसे इग्नोर करता रहा, तो वो सब चीज़ें देखो तुम भसड़ मचा रहे हो अपनी ज़िंदगी में दोनों, करते रहे तो तुम लोग करना है कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा तीसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना। अब मिली को तकलीफ दी इसने और एक दूसरी पानी वाली लड़की थी ना वो तो नकचड़ी सी थी, उसके साथ तो सही हुआ बदतमीज थी एक नंबर की। डिट्टो ने फिर डीला के साथ बहुत गलत किया था, उसको उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए था, जब तेरे को पता है कि तेरे से नहीं हो पा रहा क्या तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या कि इसके साथ आ जाता हूँ रिलेशन में, क्या पता मैं आयु को भूल जाऊँ, नहीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में किसी की लाइफ नहीं खराब कर सकते ना, और एंड में तूने मतलब ऐसे उसको गोली दे देना छोड़ दिया ऐसा गलत होता है। और आयु भी मेरे को नहीं लगता आयु ऐसा जैसी थी ना, कोई और उसकी जगह लड़की होती तो समझ जाती यार कुछ ही देर में, पर सब नहीं समझ पाते, कुछ कुछ होते हैं जिनको नहीं समझ आता, वो उन्हीं में से थी, बट कोई और लड़की होती है थोड़ी जो समझती है वो समझ गई होती है अच्छे तरीके से कि ये चाहता क्या करना है, क्योंकि भाई 12 साल बहुत ज़्यादा होते हो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलता हूँ तो लिए बाय।